रंगों की बारिश हो गुब्बारों की मार, रंगों की बारिश हो गुब्बारों की मार, गुजिया नमकीन संग अपनों का प्यार, बरसे रंग हो खुशियों की बौछार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको पता ही है कि होली का त्यौहार आने वाला है और आप लोगों ने तैयारियां भी कर दी होंगी कि होली के त्यौहार में आपने क्या क्या चीज़ें बनाई होंगी। मैं भी आपको यही चीज़ें बताने वाली कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से अलग अलग पकवान बनाए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए मेरी वीडियो, कैसी आपको लगती है आप ज़रूर। ये हम कर रहे हैं गुजिया बनाने की तैयारी। सबसे पहले हम खोया बनाने के लिए दूध लेंगे और आज हम खोया बनाएंगे चूल्हे पर। और सबसे पहले हम लेंगे लोहे की कढ़ाई और आग हमने जला ली है, ये देखिए आप। और ये दूध ले लिया है, ये 4 किलो दूध है। और इसको हम एक उबाल आने के बाद ऐसे चलाते रहेंगे और दूध को हम बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने देंगे। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा थिक करने की कोशिश करेंगे, चलाते चलाते रहेंगे इसको, इसी तरह से इसको पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और ये है हमारा 4 किलो दूध और इसे पकाने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और 4 किलो दूध में हमारा लगभग 1 किलो 1.5 किलो खोया बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे मैं इसे चला रही हूँ और इसे थिक करेंगे। और ये देखिए ये थिक हो गया इस तरीके से। अब इसके नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको यूं ही चलाते रहेंगे। और जब ये धीरे धीरे घी छोड़ने लगेगा तो समझो ये तैयार हो गया है। इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे हम जब तक कि ये थोड़ा एकदम थिक ना हो जाए। इसमें थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको हमें फ्रिज में रखना है। इसको हम कितने भी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके का रहेगा तो हम इसे स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएगा। इसे हमें और ड्राई करना है। तो देखिए अभी ये ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए इस तरीके का ड्राई करना है, फिर हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये खोया बनकर रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, खोया तो हम चूल्हे में बना चुके हैं और अब हम ड्राई फ्रूट्स तैयार कर रहे हैं। ये है हमारा नारियल, इसे हमने घिस लिया है। और ये है किशमिश और इसी में हम मिक्स कर रहे हैं। और ये है बादाम, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे या फिर ऐसी थोड़ा घिस लेंगे, है ना। और यहाँ पे ये अखरोट है। उपासना हमारी अखरोट को साफ़ कर रही है। ये जम्बू के अखरोट हैं, ये मेरे पापा जी लेके आए थे जम्बू से। बना रहे हैं गुजिया और गुजिया के लिए हमने मसाला भी तैयार कर दिया है। यहाँ पर छोटी छोटी लेई बनाई जा रही है मैदे की। इस तरह से हमने ये बेल चुके हैं। ये है गुजिया बनाने का सांचा, इस तरीके से मैंने इसमें रख दिया है। और यहाँ पर मैंने मसाला रख दिया है और साइड में मैं ऐसे पानी लगा करके इसको इस तरीके से मोड़ दूंगी। और ये देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार है। दोस्तों हमने कैसे कैसे कलर की गुजिया बनाई है, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, है ना मस्त। कि हमने ये गुजिया सेक ली है और इस तरीके से बनी है हमारी रंगीन कलरफुल गुजिया, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, मस्त हो रही है। देखिए इस तरीके से बनी है हमारी गुजिया।
बहुत मस्त स्टोरी है, मुझे भी खाने का मन कर रहा है बहुत। मुझे लग रहा है एक और खा लूं। हाँ। गुजिया हम बना चुके हैं और अब हम बनाएंगे नमकीन। और ये हमने बेसन को मिला लिया है, इसमें कुछ मसाले मिलाए हैं हमने, थोड़ा नमक और हल्का सा जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें हम मिला चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसमें, इस कढ़ाई में जिसमें हमने गुजिया बनाई थी, इसी में हम नमकीन बनाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कैसे हम बेसन का नमकीन बनाते हैं होली के लिए। तो त्यौहार है तो इसीलिए पकवान बनते हैं, तो देखते हैं कैसे। और ये है भट्टी, इसी में हम कोई भी ज़्यादा चीज़ बनानी होती तो हम भट्टी पर ही बनाते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये है इस तरीके से बनाया हुआ है ये मेरे ससुर जी ने। और ये तो आप जानते हो हमारी पुरानी पुरानी चीज़ें, इसी से हम बनाएंगे नमकीन। तो देखिए अभी कैसे बनाते हैं। इसे 35 ईयर हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं इसको, और हर होली में इसका यूज़ करते हैं। तो आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। पानी में डिप करते हैं बेसन को, और ये देखिए इस तरीके से इसको इस पर मसलेंगे बेसन को, और यहाँ इस तरीके से निकलेंगे। देखिए इस तरह से बन रही है हमारी नमकीन। दोस्तों इस तरीके से बन रही है हमारी करारी नमकीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके घर में भी होली अच्छी तरीके से मनाएं। प्लीज़ रंगों का सावधानी से उपयोग करें और अच्छी होली मनाएं। तो हैप्पी होली।